इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति गलियारों से सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि 24 के चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा बदलाव बिहार में किया है। जहां आपको बता दें कि बीजेपी MLC हरीश सैनी बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता अब होंगे। अब तक सम्राट चौधरी थे, लेकिन सम्राट चौधरी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने, ऐसी चर्चा अंदर खाने जोरों पर थी, एक साथ दो बड़े पदों पर आप नहीं रह सकते हैं और हरीश सैनी को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बदलाव किया गया है। खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल JDU से अलग होने के बाद पिछले साल अगस्त महीने में बिहार में महागठबंधन सरकार बनी थी। सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार से बाहर हो गई और विपक्ष की भूमिका में आ गई थी। उस वक्त बीजेपी ने पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, जबकि सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी थी और सम्राट चौधरी बखूबी इस जिम्मेवारी पर खड़े उतर रहे थे। और जो बड़ा बदलाव किया गया है कि हरीश सैनी जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हें विधान परिषद में बड़ी जिम्मेदारी नेता विपक्ष बनाया गया है। और राजनीति के जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है हरीश सैनी के सहारे बिहार के निषाद का जो बड़ा वोट बैंक है उस पर भाजपा की नजर है, क्योंकि मुकेश सैनी के आने के बाद कहीं ना कहीं जो निषाद वोट है वो खिसक गया था, लेकिन अब उसे साधने के लिए, उसे अपने पास लाने के लिए भाजपा ने बड़ा दाव खेला है और हरीश सैनी को नेता विपक्ष जो है वो विधान परिषद में बनाया गया है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ विधान परिषद में विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी संभाल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी MLC हरीश सैनी को बीजेपी ने विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बना दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की मौजूदगी में खुद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसका औपचारिक ऐलान किया है और हरीश सैनी को नेता विरोधी दल के रूप में स्वागत किया है। तो बड़ी खबर है और इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं निषाद समाज जो बड़ा वोट बैंक है उस पर एक सीधा असर डालने की कोशिश भाजपा की है और कहा जा रहा है कि हरीश सैनी के सहारे मुकेश सैनी को कमजोर किया जाएगा, क्योंकि मुकेश सैनी इन दिनों निषाद आरक्षण यात्रा पर निकले हैं और ऐसे में वो भाजपा को आंख दिखा रहे हैं और भाजपा पर बखूबी इस बात का असर भी पड़ रहा है। जो भीड़ जुट रही है उनके सभा में, इस बात से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं असहज है और वोट खिसकने का डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सैनी बहुल क्षेत्र हाल फिलहाल के चुनाव में देखे गए वहां पे मुकेश सैनी ने चुनाव लड़कर यह बता दिया कि सैनी मेरे साथ है और इस बात का डर भाजपा को है, क्योंकि अब तक सैनी भाजपा को वोट करते आ रहे थे ज्यादातर सैनी वोटर जो है, लेकिन मुकेश सैनी के आने के बाद इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की गई और उस डैमेज कंट्रोल के लिए हरीश सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और कहा जा रहा है कि हरीश सैनी के सहारे बिहार के सैनी समाज के वोटरों पर भाजपा की नजर है। तो मुकेश सैनी ने जो सेंधमारी की उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने एक बड़ी चाल जो है वो चली है और इसी कड़ी में हरीश सैनी को विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनाया गया है। तो बड़ी खबर है बिहार की राजनीति गलियारों से, क्योंकि वैसे भी किसी को बनाना था, क्योंकि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, ऐसे में उनके पास एक और बड़ा पद जो है विधान परिषद में नेता विपक्ष का था और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहा जाता है कि एक नेता के पास दो बड़े पद नहीं रह सकते हैं और ऐसे में सम्राट चौधरी के पास प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता विरोधी दल विधान परिषद का भी पद था और अब उनके जगह हरीश सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो सैनी वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने बड़ा दाव खेला है, हालांकि यह दाव कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि हरीश सैनी के सहारे जो मुकेश सैनी ने सेंधमारी की उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। आप मेरे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।